कर्ज लेना और देना इस्लाम में एक बेहतरीन अमल है। किसी की मजबूरी के वक्त किसी का साथ देना, उसका कर्ज अदा करना ये काफी अहमियत का हामिल है। और किसी बुरे वक्त में किसी से कुछ हासिल करने के बाद उसे वक्त पर लौटा देना वो भी बहुत बड़ा अहमियत का हामिल है। बेवजह और बेकारी के कामों के इस्तेमाल के लिए लोग आजकल कर्ज लेना फैशन समझे बैठे हैं, चाहे सूद के जरिए हो या फिर चाहे कोई और जराए से हो। तो ऐसा ही एक वाकया आया है, एक शख्स ने बेकारी के कामों के लिए 15-20 लाख रुपए कर्ज ले लिया और अपने किस काम में लगाया पता नहीं, ना ही कोई तरक्की की, ना किसी के कर्जे फेरे हैं और ना ही कुछ अदाई की गई। सिर्फ बेकारी कामों में 15-20 लाख रुपए का इस्तेमाल करते हुए कर्ज मांगने वालों को ही डरा धमका कर खुदकुशी कर लेने की धमकी देते हुए बिल आखिर इकदाम में खुदकुशी कर ली, जिसके बाद कर्ज देने वाले भी परेशान हो गए और उस शख्स के तमाम घर वाले भी परेशान हो गए। तो आइए जानते हैं हकीकत क्या है। भाई मम्मा के सुन 15-20 लाख रुपए कर्जा कर लिए, पैसे और एक जनों से लिए कहते 15-20 लाख रुपए है। तो मैं बात करी लोगों से तो लोग बोले एकदम होना, मेरे को बोलता अच्छी बात है, बोल के दुनिया का वो टॉर्चर करे। फिर आज घर पे आए, 2-3 दिन से तो हमारा भाई घर पे नहीं था, कुछ भी नहीं था, खा रहा नहीं, पी रहा नहीं, हमारे को कुछ भी नहीं मालूम। 10 दिन होता हमारे को मालूम होके, उसके बाद तो सब आए उन्हें 4-5 बजे आए आके बोले उन्हें क्या है, उसको आज खत्म मिस कर देता हूँ मैं, उन्हें रायनेस नहीं कान जाता क्या, आज तो बचने वाला नहीं है। बोलता मैं हाथ में पड़ी पैर में पड़ी मैं उन्हें एकदम कहाँ से भिंगार, आप लोग इतने पैसे उसको दिए कैसा, बोलता हाँ मैं देता हूँ हाँ मैं देता हूँ, बोल के ले लिया उससे पैसे, ले लेके दसो आज उसको इतनी परेशान कर दिया, सुसाइड कर लेने को आ गया, मैं दवा करने गोलियाँ खा लिया, क्या क्या गोलियाँ खाए नो सुसाइड करने की गोलियाँ खा लिया, ना चिंता रहा तो मैं बोल के क्या काम नाम क्या है माँ, जो खर्चा दिए वालों का नाम क्या है, खर्चा दिए वाला मेरा भाई मोहम्मद यूसुफ है। नहीं दिए वाले, दिए वालों का नाम असगर है। क्या उम्र है आपके भाई की? मेरे भाई की उम्र होंगी 25-26 साल। शादीशुदा है नो? शादीशुदा है, बच्चा है, फिर जो रूप लगना था इनकी। कितने दिन हो रहा है पैसे लेके बोल रहे? पैसे लेके 8-10 दिन हुआ हमारे मालूम हो के। अच्छा कब दिए कटे पैसे? पैसे कब लिए वो भी नहीं मालूम, और हमारे घर के नहीं आ रहे हैं, हमारे को बोले भी नहीं, तो लिया ही नहीं करा हुए, बोल के पेपर वो लिखे हुआ करे हुआ है भी नहीं है, खाली मुंह जबानी से इन्हें मांगता गया सरकार देते गया, तो उसकी जान पर बात आ गई। एक लुता एक ही भाई हमारे को, हमारे अम्मी को बीपी थायराइड शुगर है, अम्मी की दुनिया की सीरियस तबीयत है, मैं बहन हूँ बड़ी बहन हूँ मैं उनकी, मैं बोलूंगी महीने को थोड़ा थोड़ा देती हूँ, वो करती हूँ ये करती हूँ, बोला तो नहीं बोला नहीं, अलग एक जनों से मैं बात करी तो उन्होंने बोले महीने महीने को आप चिट्ठी बनो 5-5 हज़ार रुपए 1-1 लाख की, आपको 3 महीने में 1 लाख रुपए देते हुए बोल के बोले उन्होंने, तो मैं अच्छी बात है बोल के बोली, तो उन्होंने क्या करे उनके भाइयों से और जनों से कर्जा लिए वो करे, सुबह में आ जा रही 5-7 बजे आपको सुबह में आ जा रही, आके बोल रही सुबह का बोल के बोल रही, मैं बोली नहीं नहीं है सुबह, बोलते अच्छी बात है बोल के चले जा रही, और अब आके बोले उन्हें आज जिंदा नहीं रहता उसको आज मार देते हैं, मना तो मैं बोली बैठो जी बाबा पैरों पर थी मई सला ऐसे भी बात होती है, उसको दिए उसकी कमीज क्या है जो देने के वास्ते जितने पूछते क्या दिया, हालांकि हम आपको बोले भी नहीं करे भी नहीं, बोल के बोले तो कान जाते जाओ क्या करते करो बोल के बोले उन्होंने। क्या नाम करते आपके भाई? इसके रख पर कारोबार करते उन्होंने। कितने जनों से लिए वो? कितने जनों से लिए उन्हें मालूम भाई, दो जने आए थे घर पे, नामा क्या है लोग? वो एक का नाम है असगर है, एक का नाम और एक का नाम तो नहीं मालूम, उन्होंने सुबह में आए थे, कल सुबह में आए थे 7 बजे, तो वो भी आज मालूम हुआ कि उनके भी 7.5 लाख रुपए देना है बोल के, उनकी कमाई नहीं है भाई उतनी, तो उनको कर्जा देने की जरूरत किस क्या है बोलो आप। कहाँ है घर आपका? किधर है? मेरा घर पत्ते दरवाजे पे। कौन सा पीएस लगता है आपको? टमाटेपुरा। अभी आप क्या चाह रहे हैं हुकूमत से मदद? हुकूमत से चाह रहे हैं कि भाई ये देने वाले क्यों देके जुलुम कर रहे हैं हमारे को, मांगने वाला तो कैसा भी मांगेगा ना, हमें देके गर्दन उड़ाते तलवारा पर जमीन पर, अब वो मासूम बच्चा क्या लड़ लेते रहेंगे, मर गया तो किसके हम जोरू कह देंगे, अम्मा कह देंगे, मर गया तो उन्हें, ऐसे लोगों को हुकूमत फौरी इंतजाम करना चाहिए, इनको लोगों को जुलुम करना है, कहीं को दे रहे खर्चा है लोग, 50,000 कुछ भी हाथ पर पड़ के देंगे, 15 लाख रुपए दिए गए थे, क्या क्या सबूत पे दिए तुम? कुछ भी पेपर वगैरह लिखे हुआ है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है पेपर। सुबह 5 बजे आके खटका मार रहे, रात में 11 बजे आके खटका मार रहे, घर में औरत बच्चा रहते क्या करना, अभी पीएस में कंप्लेंट करे 15 लाख रुपए में उनसे लिए नहीं लिए वो लोग बोले हमारे
मर्जी से बोल रहे हैं लोग, कितने लिए क्या है वो भी इलम नहीं है भाई। हमारा भाई तो मुंह खोल के बोल रहा है कि इतने लियो मैं इतने कह रहा हूँ, बोल रहा है उन्हें उसको ऐसा क्या है पता की क्या है की क्या नहीं किया। दवाखाने में आके पड़े हुआ है उन्हें, एक रुपया एक ही भाई मेरे घर में तो एक रुपया भी नहीं था। उन्हें मैंने करा तो करा क्या और क्या बेस पे दिया उसको इतने पैसे, क्या समझ के दिए। चलो जाती कारोबार है, मड़गी है, गोदाम है, बोलता क्या है घर है वो भी नहीं, किराया क्या घर है मेरा, 7,000 रुपए किराया है मेरे को। पीएस में कंप्लेंट करे आप लोग? नहीं करे, आप जाएंगे यहाँ से कंप्लेंट करने का सर? मेरे अभी अभी कैसे हो? अभी क्या भाई वो सब पीएस लगता है आप लोगों को? बुरा लगता है अभी जाके यहाँ से जाते कंप्लेन करेंगे आप? चल यहाँ से सीधा वहीं जाते हम और ही कहिए कंप्लेन। मैं हुकूमत से ये मांग रही हूँ कि लिया है बच्चा तो गलती करा, हम लोग भरने के लिए मंजूर है कि हमारे बच्चे को ऐसा कुछ भी नहीं होना, उन्हें मेहनत करेंगे हर महीना थोड़े थोड़े देंगे हम लोग। गोलियां खाए ना बताए ना पत्ते अभी गोलियां आपके पास पत्ते बताओ? नहीं वो दूसरे गोलियां मेरे बीपी के।